घाटी में देश के दुश्मनों का सफाया जारी है। आज कितने दहशतगर्द ढेर हुए, 2500 करोड़ की ड्रग्स की खेप कहां से बरामद हुई और महाराष्ट्र फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें कैसे बढ़ी। इधर भारत और श्रीलंका के वनडे सीरीज की डेट आखिर आगे क्यों बढ़ानी पड़ी, ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश की बात। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के रानीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। घाटी में एक हफ्ते के अंदर 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स तस्करी के सबसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से 2500 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की गई। नार्को टेररिज्म में लिप्त आरोपियों के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूरोप से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन को फोन किया और उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। मोदी ने बातचीत के दौरान भरोसा जताया कि फाम मिन चिन के कुशल निर्देशन में दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य और कोट्टकल आर्य वैद्यशाला के प्रबंध न्यासी डॉक्टर पी के वॉरियर का निधन हो गया। वॉरियर 100 साल के थे। पीएम मोदी ने डॉक्टर पी के वॉरियर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर हैं। धामी ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसके बाद वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। धामी ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी संजय पांडे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। ये समिति 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। नाना पटोले ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर 2016-17 में उनका फोन टैप करने का आरोप लगाया है। देश के नॉर्थ ईस्ट इलाके में शिलोंग गुवाहाटी राजमार्ग पर करीब 3000 ट्रक 3 दिनों से फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर में फल, मछली और सब्जियां लदी हैं और सड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते में बेलिव ब्रिज कमजोर होने की वजह से ट्रकों को रोका गया है। वहीं अवैध वसूली की भी शिकायत मिल रही है। अमूल के बाद दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी का दूध भी महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रेट बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें कल से लागू हो जाएंगी। पिछले दिनों अमूल ने भी दूध पर 2 रुपए बढ़ाए थे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 13 जुलाई की बजाय वनडे सीरीज 18 जुलाई से शुरू होगी। श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजी, कोच और एक सपोर्ट स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला किया गया। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।